नमस्कार दोस्तों, ये मैंने चावल जो होता है कच्चा, ये देखिए कच्चा चावल है। बनाने से पहले तो इसको धो लिया जाता है, तो दोस्तों इसको आप धो लीजिएगा और आप इसके पानी में भी सीड्स को ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, ये कच्चा चावल है दोस्तों, पका हुआ नहीं है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये कच्चा चावल है दोस्तों। तो ऐसे धो के और इसके पानी को आप अलग कर लीजिएगा किसी बर्तन में या टब में। जी दोस्तों देखिए, मैंने इसका राइस का जो है वाटर ये अलग कर लिया है पानी। आप चाहें तो इसमें भी सीड्स को ग्रो कर सकते हैं। और ये नमस्कार दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, मैंने ये चौको के या जेट ब्लैक का सीड्स लिया है और ये राइस वाटर है दोस्तों, जो पानी चावल पकाने से पहले पानी जो राइस को धो के और पानी निकाला जाता है, ये पानी है। तो दोस्तों करना क्या है, ये इसमें मैं सीड्स को अभी ग्रो करूंगा। तो ये करना क्या है, इसमें ये करिएगा दोस्तों, ये खोल लीजिएगा जीप और ये पानी। नमस्कार दोस्तों, ये मैंने 3 से 4 घंटा पहले इसको राइस वाटर में चावल के पानी में सीड्स को फुलाया था दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, सीड्स पूरा फूल गया है दोस्तों, ग्रो होने के लिए रेडी है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, मोटा मोटा हो गया दोस्तों सीड्स फूल के। तो देख दोस्तों, ये मैंने कोकोपीट से भर लिया है। भरने के बाद मैं इससे पानी निकाल के और सारे सीड्स को इसमें सजा देता हूँ, फिर आपको वीडियो दिखाता हूँ दोस्तों। जी दोस्तों, ये मैंने इसको अच्छे से सजा दिया है दोस्तों, और मैं एक सीड्स को आपको दिखाता हूँ खोल के। ये देखिए दोस्तों, ये चावल में जल्दी फूल गया दोस्तों, ये बहुत जल्दी फूल गया राइस वाटर में दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये फूल के रेडी हो गया दोस्तों ग्रो होने के लिए। ये देखिए दोस्तों, तो अब करना क्या है दोस्तों, आप ये ले लीजिएगा इसमें छोटा सा टोकरी में कोकोपीट और इसको ऊपर से हल्का हल्का दोस्तों चाल देना है दोस्तों, एक लेयर बना देना है हल्का, ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। मतलब हल्का लेयर रहेगा तो दोस्तों सीड्स ग्रो होने में अच्छा होगा, जल्दी ग्रो हो जाएगा दोस्तों। और ज्यादा लेयर मोटा होगा तो सीड्स ग्रो होने में टाइम भी लगेगा और सड़ने का चांस रहता है दोस्तों। तो हल्का लेयर बनाना है दोस्तों, ये देखिए, और देख लेना है कि लेयर ज्यादा तो नहीं है दोस्तों। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, इसको थोड़ा थोड़ा हल्के हाथ से दबा देना है, ऐसे करके, ज्यादा जोर से नहीं, मतलब हल्का हल्का बैठा देना है ताकि अपने जगह से सीड्स हिले नहीं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको दोस्तों बैठा देना है। ये देखिए दोस्तों, और उसके बाद क्या करना है दोस्तों, 1 लीटर पानी में आप ये साफ फंगीसाइड घोल लीजिएगा और थोड़ा थोड़ा इस पे स्प्रे कर दीजिएगा दोस्तों। मतलब थोड़ा का मतलब पूरा ड्रेनेज कर देना है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, जी दोस्तों उसके बाद क्या करना है, पूरा ड्रेनेज कर लेना है दोस्तों पानी। तो पानी पूरा ड्रेनेज हो जाएगा दोस्तों, तो उसके बाद क्या करना है, एक सेम टब ले लेना है ऐसा दोस्तों, और टब से इसको ढक देना है दोस्तों, और शेडिंग एरिया में दोस्तों रखना है इसको। 1 सप्ताह शेडिंग एरिया में रखेंगे तो 3 से 4 दिन में ही सीड्स ग्रो हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं आज का डेट भी दे रहा हूँ इस पर। दोस्तों 1/6/22 है और कुछ दिन के बाद मैं इसका अपडेट भी दे दूंगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, ये रहा मेरा चावल में कैसे सीड्स को ग्रो करें, चावल के पानी में सीड्स को कैसे ग्रो किया जाता है, तो इसका अपडेट दे देंगे दोस्तों। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों, और इसके बाद मेरा एक और वीडियो आने वाला है जिसमें हम आपको जो हम लोग जींस पहनते हैं
उसमें हम सीड्स को कैसे ग्रो करें, उसका भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।